हाय, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। देखिए, देखेंगे आपका एंटोनिम मींस अपोजिट मीनिंग सीरीज नंबर थर्ड है। आपका एंटोनिम हम दो जो है अपोजिट मीनिंग बता चुके हैं आपको। सीरीज वन सीरीज टू जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके हमारे सीरीज वन सीरीज टू का एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग का वीडियो देख लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक अवश्य करें। बहुत सारा आपको नॉलेज जो है वर्ड का पावर स्ट्रांग हो जाएगा। आप अपोजिट मीनिंग जान आप लोग जान अच्छा खासा नॉलेज बढ़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य वॉच करें ताकि बहुत कुछ आपको फायदा हो। आइए स्टार्ट करते बिना कोई देर करते। देखिए, फर्स्ट वर्ड आपका देखिए है लाई। देखिए लाई मतलब क्या देखिए होता है, झूठ होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई लाई मतलब क्या समझिए, लेटना। अब जब कोई लेट जाता है तो लेट के क्या बोलेगा, हमें झूठ बोलेगा कि हम लेट गए नहीं, हम ये कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जब भी लाए रखिएगा, लाए से लेटना, लेटना से क्या करना, झूठ बोलना। अब देखिए उसका अपोजिट मीनिंग मींस उल्टा उसका एंटोनिम हो जाएगा। देखिए आपका ट्रूथ क्या हो जाएगा, ट्रूथ क्या बोलते हैं हम, ट्रूथ बोलते हैं, बोलते हैं ना आई एम ट्रूथ, मैं ट्रूथ सच्चा हूं। ठीक है, तो देखिए लाए का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स क्या हो गया, सच। आइए देखिए नेक्स्ट वर्ड आप आते हैं आपका देखिए लिबर्टी। अब देखिए लिबर्टी मीन्स क्या देखिए होता है, स्वाधीनता। मतलब जिसके पास लिबर्टी हो, मतलब जो लिबर्टी मतलब किससे बना है, लिबर्टी। स्वाधीनता मतलब क्या, इंडिपेंडेंस। जो स्वाधीनता हो, जिसको मतलब को माने आजादी हो, उसे क्या कहते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी मीन स्वाधीनता, तो कह सकते हैं आजादी। देखिए इसका सेम मीनिंग हो, देखिए इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा एंटोनिम, स्लेवरी। अब देखिए स्लेवरी मीनिंग होते क्या होता है, गुलामी या तो कहेंगे दास्ता। तो लिबर्टी का देखिए आपका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका स्लेवरी मीन दास्ता या कहेंगे गुलामी। आइए देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका आते हैं देखिए लिटरेट। देखिए आपका है लिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा है उसको कहते हैं यू आर लिटरेट पर्सन, तू पढ़े लिखे व्यक्ति हो। देखिए लिटरेट या तो क्या कहेंगे, साक्षर या कहेंगे पढ़ा लिखा। अब देखिए उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लगा दीजिए डबल एल, हो जाएगा इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं होना। देखिए आपका लिटरेट का हो जाएगा ऑपोजिट मीनिंग आपका, देखिए ऑपोजिट मीनिंग का साइन है ये, इलिटरेट मीन्स हो गया निरक्षर मतलब अपढ़ा लिखा, मतलब पढ़ा लिखा जो नहीं हो। तो लिटरेट का क्या हो गया ऑपोजिट मीनिंग आपका, इलिटरेट। आइए देखिए बस नेक्स्ट वर्ड आपका देखिए है मीगर। ये क्या पढ़ते हैं, MEAGR, मीगर। मीगर मतलब देखिए होता है थोड़ा, यानी कि बहुत कम को बोलते हैं मीगर। मतलब क्या हुआ कि मुझे मीगर शुगर चाहिए, ठीक है, आपको बोलेंगे तो क्या हो गया मीगर। मीगर थोड़ा है तो बहुत कम, इसका देखिए अपोजिट मीनिंग हो जाएगा प्रोफ्यूज। क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज या कहेंगे प्लेंटीफुल, इसका मतलब होता है अधिक, मतलब अधिक मात्रा में। तो मीगर का आपका हो गया अपोजिट मीनिंग प्रोफ्यूज। आइए देखिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखिए आप नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका है माउंट। देखिए माउंट मीन्स के क्या होता है, चढ़ना। चढ़ना के अगर क्या होता है, क्लाइम होता है। पर देखिए माउंट, माउंट मतलब किस चीज में चढ़ेंगे, आप सपोज चढ़ रहे हैं पहाड़ में, चढ़ रहे हैं सीढ़ी में, क्या बोलेंगे माउंट कर। माउंट मीन्स क्या होगी, चढ़ना। इसका देखिए हो जाएगा आपका अपोजिट मीनिंग डिस माउंट। देखिए माउंट के बजाय लग गया डिस, मतलब क्या हो, चढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, उतरना। तो डिस माउंट क्या हो गया, उतरना। तो माउंट का अपोजिट मीनिंग डिस माउंट। आइए देखिए आते हैं पर नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखिए आपका है मोरल, नहीं बोलते हैं ये बहुत ही मोरल पर्सन है। मोरल मतलब क्या हो गया, नैतिक। कैसे हो आदमी है ये, नैतिक आदमी, क्या बोलेंगे देखिए मोरल मीन्स नैतिक। इसका कहा जाए एंटोनिम मीन्स अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, इमोरल। देखिए क्या लग गया मोरल के पहले, इमोरल मतलब क्या हो गया, अनैतिक, मतलब अच्छा गुणवान वाला व्यक्ति नहीं है, अच्छा ये वर्क वाला व्यक्ति नहीं, तो बोलेंगे ये इमोरल व्यक्ति है, यह क्या है, एक इमोरल व्यक्ति है। तो मोरल का होगा अपोजिट मीनिंग इमोरल। आइए देखिए आते नेक्स्ट वर्ड की और आपका नेचुरल। अब देखिए नेचुरल मतलब देखिए क्या होता है, प्राकृतिक। अब समझिए नेचुरल अर्थ क्या होता है, जो हमारे धरती में पृथ्वी में पहले से कोई वस्तु कोई थिंग्स जो है उपलब्ध अवेलेबल है उसे हम नेचुरल कहते हैं, और जो कोई बनाते हैं उसी का हो जाता है देखिए अपोजिट, यानी कि आर्टिफिशियल। अब देखिए सपोज अगर क्या है, यहाँ पे वाटर जो पहले से उपलब्ध है, एयर पहले से उपलब्ध है,
अर्थ पहले से उपलब्ध है तो उसे कहेंगे नेचुरल, प्लांट पहले से उपलब्ध है तो बोलेंगे नेचुरल है, अगर जो पहले उपलब्ध नहीं है उसे बोलेंगे देखिए आर्टिफिशियल, मीन्स होगी अप्राकृतिक या बोलेंगे कृत्रिम, यानी कि जो मैन ने बनाया, मैनमेड पर्सन जो बनाते उसे कहते हैं आर्टिफिशियल, और जो मैन ने नहीं बनाया उसे कहते हैं नेचुरल। तो नेचुरल का आपका हो गया ऑपोजिट मीनिंग क्या, आर्टिफिशियल हो गया आपका, अप्राकृतिक या बोलेंगे कृत्रिम कहेंगे। जैसे क्या हो गया साइकिल, मोबाइल, पेपर, सब क्या है मेनमेड का है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसको कहेंगे आर्टिफिशियल। नेचुरल का ऑपोजिट मीनिंग आर्टिफिशियल। आइए आते देखिए नेक्स्ट वर्ड की ओर, आपका नीट। अब देखिए नीट मतलब क्या होता है, कोई काम नहीं बोलते बहुत नीट किया, मतलब बहुत साफ किया है। नीट में देखिए हो गया आपका साफ सुथरा, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन के, क्लीन है। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑपोजिट मीनिंग अनटाइडी। अनटाइडी मतलब क्या कहते हैं, डर्टी। डर्टी मतलब क्या हो गया, गंदा। रेडी मीन्स क्या हो गया, तो नीट का हो गया ऑपोजिट मीनिंग आपका अनटाइडी, रेडी मीन्स गंदा। आइए देखिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट वर्ड की ओर, देखिए आपका है ओबीडियंट। अब देखिए ओबीडियंट मतलब होता है ना किसी चीज का कोई बात लोग मानते हैं तो बोलते हैं दिस इज ओबीडियंट पर्सन, तो मतलब आज्ञाकारी। देखिए किससे बना, ओबे से होता है, ओबे मतलब आज्ञा पालन करना, तो देखिए है ओबीडियंट मीन्स हो गया आज्ञाकारी, कोई किसी का बात सुनते बोलते हैं ओबीडियंट। अब देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑपोजिट मीनिंग डिस ओबीडियंट। देखिए ओबीडियंट में आपका लग गया, देखिए डिस बन गया आपका, डिस ओबीडियंट इसका मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो किसी का बात को नहीं माने, उसका बात को अवहेलना करे उसे कहते हैं डिस ओबीडियंट। आइए देखिए आते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, आपका देखिए है ओपेक। अब देखिए ओपेक मीन्स क्या होता है, अपारदर्शी, मतलब जो चीज आप इस पार से उस पार को नहीं देख सकते हैं उसे हम ओपेक कहते हैं, मीन्स अपारदर्शी। अब देखिए ट्रांसपेरेंट मतलब हो गया पारदर्शी, जो पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ओपेक एग्जाम्पल कहा जाए देखिए ऊड, ऊड में क्या, लकड़ी, लकड़ी मतलब क्या है, ऊपर नहीं देख सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंट देखिए क्या हो गया, कोई अगर प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक अगर व्हाइट प्लास्टिक व्हाइट पेपर है उस पार से इस पार आप देख सकते हैं, तो क्या हो गया ट्रांसपेरेंट हो गया, मीन्स पारदर्शी। आइए देखिए नेक्स्ट वर्ड आपको पढ़ते हैं ऑप्टिमिज्म। अब देखिए ऑप्टी मतलब किसी से क्या होता है ना कि हम कोई ऑप्शन रखते हैं, किसी से कोई अगर उम्मीद रखते हैं तो बोलेंगे ऑप्टिमिज्म। देखिए ऑप्टी ऑप्शन रखते हैं तो ऑप्टिमिज्म में तो हो गया देखिए आशावाद, मतलब जो आशावादी जो आशा दिलाता है भरोसा, उसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म। देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑपोजिट मीनिंग पेसिमिज्म, मतलब देखिए निराशावाद, मतलब जो आपको निराशा दिलाए वो आशा आपको नहीं दिलाया, कोई वर्क हम कर देंगे तो आपको कहेंगे उसे पेसिमिज्म, मीन्स ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी जो काम करे, और पेसिमिज्म क्या हो गया इसका आपका ऑपोजिट मीनिंग हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर, देखिए आपका है ऑप्शनल। ऑप्शन मतलब क्या हो गया, ऐच्छिक, मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं उसे कहते हैं ऑप्शनल है। जैसे कोई क्लास में क्या कहता है कि आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, बायो सकते हैं, तो क्या देखिए आपके लिए ऑप्शनल है, मतलब ऐच्छिक विषय आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपल्सरी है, मतलब ये सब्जेक्ट आपको लेना है, ये काम आपको करना अनिवार्य है, तो बोलते हैं कंपल्सरी। तो ऑप्शन का ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, कंपल्सरी। आइए देखिए बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की ओर, देखिए आपका है ओपोनेंट। अब देखिए ओपोनेंट मतलब क्या होता है, किसी के विरोधी होना, मतलब किसी के अगेंस्ट होना, तो बोलेंगे ओपोजिशन, नहीं बोलते ओपोजिशन पार्टी है, उसी से देखिए बना है ओपोनेंट, मीन्स किसी का विरोधी करना उसको बोलेंगे ओपोनेंट। देखिए इसका आपका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा यानी एंटोनिम सपोर्ट, मतलब किसी का सहायक बनना, मतलब किसी का साथ देना, तो ऑपोजिट ओपोनेंट का आपका हो गया ऑपोजिट मीनिंग सपोर्ट आने की सहायक होना। आइए देखिए बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की ओर, देखिए आपका है पीस। अब नहीं बोलते बहुत ही पीस है, पीसफुल व्यक्ति, मतलब पीसफुल मतलब शांतिवाद, पीस मतलब देखिए क्या हो गया आपका शांति, बिल्कुल शांति को लग रहा है बोलेंगे पीस है। अब देखिए यहां ऑपोजिट मीनिंग क्या हो गया, देखिए आपका वार। वार मतलब क्या होगी, युद्ध करना, लड़ाई करना, वहां शांति कभी नहीं फैलेगा ना, वहां आपका शांति क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, तो पीस का आप ऑपोजिट मीनिंग कर सकते हैं वार। आइए देखिए नेक्स्ट वर्ड आप बढ़ते हैं आपका पेनल्टी। नहीं बोलते पेनल्टी लगा दिया गया, सपोज क्या होता है फुटबॉल खेल रहा, अगर हाथ से लगा दे, फुटबॉल खेला जाता है पैर से, अगर वो हाथ से लगा दे तो लगता है उसको पेनल्टी। पेनल्टी मतलब क्या, दंड लगता है, तो पेनल्टी मिस क्या हो गया, दंड होना।
वो अगर अच्छा से गोल करके, अच्छा गोल करके बहुत सारा गोल करता है, उसके लिए किसके लिए क्या मिलता है, उसको रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड मीन्स क्या, उसे पुरस्कार मिलेगा। तो देखिए पेनल्टी का हो जाएगा आपका अपोजिट मीनिंग क्या, रिवार्ड। रिवार्ड मीन्स क्या हो गया आपका, पुरस्कार हो गया। आइए देखिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखिए पेनवरी, PENURY। देखिए पेनवरी, देखिए पेनवरी मतलब समझिए क्या होता है पेनवरी। अब देखिए किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेनवरी टाइप का करेगा वो, ठीक है। इसका मतलब वो क्या, उसमें बहुत गरीबी है। देखिए वो लिखे निर्धनता, मतलब देखिए वो पेनवरी मीन्स क्या हो गया आपको, गरीबी है, तो कहेंगे निर्धनता, बहुत गरीब व्यक्ति है। देखिए इसका हो जाएगा आपका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपका एफ्लुएंस। क्या हो जाएगा आपका, एफ्लुएंस मीन्स क्या हो गया, देखिए समृद्धि, यानी कि बहुत जो अमीर व्यक्ति है उसे कहेंगे हम एफ्लुएंस पर्सन, यानी कि समृद्धि अमीर व्यक्ति। तो पेनवरी का क्या हो जाएगा ऑपोजिट मीनिंग, एफ्लुएंस। आइए देखिए बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखिए आपका है परमिशन। देखिए क्या है आपका परमिशन, मतलब क्या होता है, किससे लेते हैं परमिशन, मतलब क्या, किसी चीज का अनुमति लेते हैं कहीं जाने के लिए, तो मूर्ख बोलते हैं कि हमको परमिशन दीजिए, मीन्स क्या हो गया अनुमति लेना। अब देखिए इसका ऑपोजिट क्या हो, अनुमति नहीं मिलना, उसको मना होना, देखिए हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन। क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन मतलब मनाही, मतलब उसको परमिशन जब नहीं मिलता है तो बोलते हैं प्रोहिबिशन, मतलब मनाही होना, मतलब उसको उसके अगेंस्ट होना, मतलब मना करना। तो परमिशन का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग एंटोनिम, प्रोहिबिशन मतलब मना करना। आइए देखिए आज का आपका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग लास्ट वर्ड देखते हैं। देखिए प्लेजर। अब देखिए बोलते हैं प्लेजर, देखिए बाइक का नाम, मतलब जहां बहुत खुशी मिलता है, सुख मिलता है कोई वर्क करने के लिए, उसे कह, देखिए उसे कहते हैं प्लेजर। नहीं वो देखिए प्लीज से बना है, प्लेजर मतलब सुख या खुशी पाना। अब देखिए पेन मतलब क्या हो गया, दुख पाना या उसको दर्द होना, पेन मतलब क्या बोलेंगे, दर्द या दुख होना। देखिए प्लेजर का हो जाएगा आपका अपोजिट मीनिंग क्या, पेन, यानी कि सुख का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, दुख होना, उदास होना। पेन दर्द किसी को होता है तो उदासी होता है। यही भी वीडियो हम लास्ट कर रहे हैं, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके दूसरे को शेयर अवश्य कर दें। और भी बहुत सारा वीडियो आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो हम बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।